श्रीवर्धन उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये डायलिसिस व आयसीयू युनिटची मागणी। उपजिल्हा रुग्णालय श्रीवर्धनमध्ये मुरुड, रोहा, माणगाव, म्हसळा, श्रीवर्धन येथील रुग्ण चांगल्या पद्धतीने उपचार घेऊन बरे झाले असे वक्तव्य पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी भाषणामध्ये केले। उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये सर्व आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तटकरे परिवार नेहमी कटिबद्ध आहेत असे वक्तव्य नगराध्यक्ष फैजल हुरजू यांनी केले। आता पुढे उपजिल्हा रुग्णालय श्रीवर्धनमध्ये आयसीयू युनिट व डायलिसिस युनिट देण्यात यावे अशी मागणी फैजल हुरजू यांनी केली। श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये दिघी ते बागमांडलापर्यंत डायलिसिसचे बरेच पेशंट आपल्या उपचारासाठी पनवेल किंवा मुंबई येथे जाऊन आपला उपचार करतात, म्हणून अडचणींना समजून आरोग्य सेवेमध्ये वाढ करून श्रीवर्धन उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आयसीयू युनिट, डायलिसिस युनिट मिळावे अशी मागणी नगराध्यक्ष फैजल हुरजू यांनी पालकमंत्री यांच्याकडे केली आहे। मैं नगराध्यक्ष श्रीवर्धन फैजल हुरजू, मैं राज्यमंत्री और पालकमंत्री आदित्य जी तटकरे, खासदार सुनील जी तटकरे साहब और आमदार अनिकेत जी तटकरे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है ज़िला उप रुग्णालय श्रीवर्धन यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मशीन अवेलेबल करके दी। उसका उद्घाटन हुआ पालक मंत्री के हाथों और जनरेटर का उद्घाटन हुआ, जनरेटर दिया उन्होंने और साथ ही साथ डोरा सिलेंडर, 7 डोरा सिलेंडर दिए जो लगभग 40 से 45 लाख रुपए के दिए है। और पालक मंत्री ने उस उद्घाटन समारंभ में कहा था कि बागमाला से दिघी तक और मुरुड मसला तक कोविड के काल में जो है वो सारे पेशेंट श्रीवर्धन रुग्णालय में आते थे और अच्छे होके गए हैं। तो मैं विनंती करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक डायलिसिस की मशीन और आईसीयू यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जल्द जो है वो ये दोनों भी चीज़ें अवेलेबल करके देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और सहज समाचार साठी मकसूद नजरी श्रीवर्धन।